गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुमाऊनी सोनी कॉर्नर में। उन्हें उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर के लिए। तो आगे आगे व्लॉग बताऊंगी मैं क्या क्या होने वाला है। और हाय तो कर दो। तो अभी हम लोग हो गए रेडी। रेडी नहीं मतलब मैं तो घर के कपड़े पहन के हुई हूँ। मैं क्या नहीं हुआ, टी शर्ट तो अच्छी वाली पहनी है। तो डीबी रेडी हो चुकी है, फिलहाल हम लोग निकलते हैं। मैं आपसे नीचे बात करूंगी अभी रूम से बाहर निकलने के बाद। अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट, तो हमें यहाँ से देखना है टी के लिए ड्रेसेस। लेट्स सी हमें मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो टी के लिए ड्रेस देखने के लिए आएंगे। अभी हम आए हैं मॉम एंड मी। तो हम जा रहे हैं इसमें, लेट्स सी इसमें होप सो टी के लिए ड्रेस मिल जाए। और ये देखो, टुन 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 टुन, चले जाओ चले जाओ। मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी मुझे कुछ पसंद आने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट आ रखे थे और पूरा घर फैला हुआ है, तो जिसके आप लोग को पता है, बताया है मैंने पहले वाले ब्लॉग में, बहुत दिन पहले ब्लॉग में, कि हम लोग जाने वाले हैं घर। तो इसीलिए पैकिंग वगैरह सामान इकट्ठा करना, शॉपिंग करना, अभी ये सब चल रहा है। तो कल हमें ड्रेस नहीं मिली। डी का बर्थडे आने वाला है, पता है ना आप लोगों को। तो 8 अगस्त को डी का बर्थडे है और हम लोग जा रहे हैं इस बार घर। तो इस बार घर पे कुछ फंक्शन है, तो मैंने बोला कि बताऊंगी, अभी घर कब जाना है ये भी नहीं बताया मैंने आपको। तो इसीलिए हम लोग गए थे डी के लिए बर्थडे ड्रेस देखने, जो कि हमें कहीं भी पसंद नहीं आई और बहुत ज़्यादा हैवी थी। और बच्चे ना फिर ज़्यादा जो हैवी कपड़े होते हैं उनको पहनना पसंद नहीं करते, स्पेशली डी फ्रॉक पहनना पसंद नहीं करती हैं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या लें। लेट्स सी, देखते हैं। अभी आज शायद फिर से जाएंगे हम लोग। तो आधा सामान रात को थोड़ा बहुत पैक किया था और किचन कल इतना फैला था क्योंकि कल दिन भर हमने अपना जो सामान है ना उसको अच्छे से सेट किया था, यानी कि बक्से वगैरह में, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। किचन तो बहुत बुरा था, तो कल खाना बाहर से लेके आ गए थे फिर, क्योंकि इतना टाइम नहीं था आने का। 9 बज गया था, फिर बनाने का मन नहीं था, मेरा बहुत हेडेक हो रहा था। उसके बाद अभी जाके मैंने थोड़ा बहुत किचन साफ़ किया है और अभी मैंने कुछ नहीं करा था। उठ के पहले सबसे पहले किचन का स्लैब जो है वो मैंने साफ़ कर रखा है और कल के जो कपड़े थे वो अभी मशीन में ड्राई हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितना फैल रखा है। तो हमने मंगाया था मीशो फ्लिपकार्ट से लगेज मंगाए थे जो बहुत ही ज़्यादा ऑसम आ रखे हैं, पैक ऑफ 3। चले मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो गाइज़ अभी घर का है कुछ ऐसा हाल, और ये देख सकते हैं आधे कपड़े हमने रात को पैक किए थे। ये सबसे बड़ा वाला लगेज है, पैक ऑफ 3 का मिला था ये, और एक ये 75 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद है ये वाला, ये आई थिंक ये 55 या 65 का है, आई थिंक 65। और उसके बाद फिर एक छोटू वाला, बढ़िया है ना, एक मेरा एक डी का एक डी के डैडा का। तो ऑब्वियसली ये वाला तो मेरा ही है। तो वैसे हम लोग लेके जाएंगे भी दो, या तो इसको लेके, इसको तो लेके जाएंगे, इसमें इस और इसमें से एक को लेके जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी के कपड़े फैला रखे हैं, क्योंकि रात को फिर ना हम लोगों को 11 बज गया था काम करते करते, फिर हम लोग सो गए थे और सोए तो हम 1 बजे। उसके बाद घर से फैल रखा है और देन जो ये कार्टून है ये भी यहीं पे रखा है। तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी फिर, लेकिन इन्होंने सामान रखना शुरू कर दिया था। तो हमें पूरा कमरा ना खाली करना है, तो इसीलिए आज हम पूरा पैकिंग वगैरह करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज शायद मार्केट भी जाएंगे क्योंकि डी के लिए ड्रेस देखनी है। ऑनलाइन अब लेट हो जाएगा जब तक हम लोग घर पहुंचेंगे, तो इसी वजह से। और बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ घर जाने के बाद अगर हमारे उधर लाइट रही और सब कुछ रहा अच्छा खासा, तो मैं डेली व्लॉग डालूंगी, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। तो अभी धुल रहे हैं मेरे कल वाले कपड़े और धोने हैं। तो आज कल हमारा पूरी खाने का बहुत मन था बट घर पर बनाया ही नहीं, जो ये लोग बाहर बनाते हैं ना एकदम भटूरे से बड़ा पूरी बनाते हैं, बहुत पतला सा, बहुत टेस्टी होते हैं। तो कल हमें नहीं मिली थी तो हमने इडली और थोड़ा सा मैगी बना काम चला लिया था। आज जा रहे हैं बाबू पूरी लेने के लिए, बाहर पे एक शॉप है वो ठेला लगाते हैं, काफ़ी अमेजिंग वाला पूरी बनाते हैं।
तो वो लेके आ रहे हैं डी के लिए। बनाऊंगी मैं अभी ओट्स, अभी नहाना धोना कुछ नहीं हो रखा है, और आज संडे है तो आज मैं आराम से नहाऊंगी। तो अभी मैं करूंगी ब्रश वगैरह, उसके बाद जाके फिर हमें ये बहुत ज़्यादा तितर बितर सब संभालना है। और कल मंडे है तो कल के लिए मैंने निकाला है ये वाला सूट, हाँ तो पहन सकती हूँ, वैसे घर में पहनने वाला नहीं है, तो कल ग्रीन ग्रीन बनना है मुझे, तो मैंने ये वाला निकाल दिया है, बाकी मैंने रख लिया है इसमें। और मैं लेके आई हूँ कल अपने लिए सियावार से साड़ी, बट वैसे वो साड़ी काफ़ी हल्की है, बट मैंने ये इसलिए ली है, ये है मेरी साड़ी, मुझे इसका पल्लू का जो डिज़ाइन मतलब क्या, इसमें लटकन लगे हुए थे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बट ओवरऑल ये साड़ी ना अच्छी लग रही है, तो ये मैंने लिए है स्पेशली मंदिर वगैरह जाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा हल्की भी है। अगर ये मेरी मम्मी या मेरी सास मतलब दोनों मम्मियों में से किसी को पसंद आएगी तो मैं उनको दे दूँगी फिर, बट मैं आज इसका ब्लाउज सिलवाऊँगी और मम्मी लोग तो अपने ब्लाउज के साथ पहन लेंगे। ओ भाई किधर गया। तो ये रहा इसका पल्लू, ऐसे लटकन लटकन बड़ा ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने लिए स्पेशली, मैंने ये मतलब मंदिर वगैरह जाने के लिए लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हल्की है और घर पे भारी साड़ियाँ पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, वैसे तो मैं साड़ी कभी पहनती ही नहीं हूँ, तो इसीलिए हाँ। तो चलिए अब मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, तो सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ क्या चल रहा है लाइफ में करके, और बहुत 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 काम है, आज संडे है तो आज काम सारा निपटाना पड़ेगा ऑलमोस्ट, फिर क्योंकि कल से ड्यूटी जाएंगे, फिर हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लेट्स सी हमें डी की ड्रेस मिलती है। वैसे मैं एक ड्रेस लेके आई हूँ बट वो बर्थडे के लिए उतनी वो नहीं है, मैं ये भी नहीं चाहती कि बहुत हैवी लगे और ये भी नहीं चाहती कि एकदम से सिंपल लगे, वैसे बच्चों को जितना सिंपल पहना उतना अच्छा है, बट फिर भी मैं आज फिर से जाऊँगी। कल मैं देखने गई थी वहाँ पर 3,000-4,000 की फ्रॉक और इतनी लंबी लंबी, और मैंने पिछली बार ली थी 2,000 की फ्रॉक तो वैसे ही पड़ी वाइट वाली, तो कोई फ़ायदा नहीं है, और बच्चों को डी तो फ्रॉक पहनना वैसे ही पसंद नहीं करती है। तो चलिए अब मैं अपना काम निपटाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ सीधे। गाइस मैं होगी हूँ रेडी, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि वहाँ से देखते हैं डी के लिए ड्रेस देखनी है, दूसरी बात फिर मुझे अपने लिए एक आधा दुपट्टा लेना है, और आज मेरे पास कोई भी टॉप नहीं था तो मैंने ये वाला टॉप पहना है, ये है काजल का, काजल ने मुझे दिया था ये मेरे बर्थडे में, मैंने उससे लिया था उसका अपना टॉप। तो बारिश हो गई, ख़त्म भी हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे कपड़े गिर गए, कपड़े धोए थे सुबह मैंने, तो अभी निकलते हैं मार्केट के लिए क्योंकि मुझे कुछ लेने हैं, बाइक गीली होगी मैं पीछे से, कुछ लेने हैं दुपट्टे क्योंकि गांव भी जाएंगे अभी इस बार हम लोग, और डी के लिए ड्रेस लेनी है बर्थडे ड्रेस। यार बड़ा झमेल हो रहा है, एक मन कर रहा है कि हैवी ना लूँ, एक मन कर रहा है कि लूँ, लेट्स सी अभी क्या होता है। कल भी मैंने बहुत प्यारी सी ड्रेस ली डी के लिए, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो। मैं हो गई हूँ अभी रेडी, और ये मेरा पेट दिख रहा है सो बस ऐसे सिंपल से रहना, आज मैं लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, आज मैंने डाले हैं बहुत टाइम बाद इयर रिंग्स, तो अभी चलते हैं, ये लोग नहा रहे हैं फिर तैयार होते हैं फिर निकलते हैं, और मौसम को पता नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर अच्छा रहा तो कहीं डी को ले चलेंगे, नहीं तो फिर वापस आएंगे क्योंकि थकान भी जाती है इधर उधर जा जा के, और फिर घर का भी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, और फिर ऐसे ऐसे ना ये सारा काम ऐसे रह जाएगा, फिर करने में मुझे अकेले बहुत आफत आ जाएगी। सो ये है मेरी न्यू वॉच, यार पहले वाली जो है ना मैंने एक हफ्ता भी नहीं पहनी थी और टूट चुकी थी, तो उसमें डिस्प्ले लगा नहीं मतलब यानी कि जो ग्लास है, और फिर डी ने परसों उसको चबा दिया तो पूरी गई, फिर मेरे को अपने लिए न्यू वॉच लेनी पड़ी है, ये है फायरबॉल की बहुत अच्छी है। सो चलिए हम लोग अभी रेडी वगैरह ये लोग होते हैं फिर निकलते हैं, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस मैंने ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता, फिर उसके बाद हमारा प्लान था कि आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे जो कि कैंसिल हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट पहले डी के लिए कपड़े देखने, और मुझे अपने दुपट्टा वगैरह, ये तो हमारा प्लान था ही, साथ ही साथ ये था कि हम कहीं जू हम जाएंगे जू, बट किसी रीज़न से हम जू नहीं जा रहे हैं, सो अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ। तो मैंने उसी हिसाब से अपने कपड़े डाल लिए हैं, अपना कार्गो, अपना क्रॉप टॉप और अपना ये बैग, वॉच, और मेरे साथ ही साथ मेरा बच्चा पार्टी तैयार है, इधर देखो ये जरे जाना और ये मेरा छोटा जाना, और हमारा घर लिटरली बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो सिर्फ प्लीज़ इग्नोर इट, हम आने के बाद उसको पूरा चमकाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। लेट्स सी हमको आज मिलता है नहीं मिलता है, डी की ड्रेस होगी, महाभारत होते हैं तो चलते हैं। मास्क बहुत ज़रूरी है बिना मास्क के, चलिए गाइस मार्केट में मिलते हैं। अभी हम आए केलम में, मिस्टर वो
అందులో బాగా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. चलो बेटो इधर से हम लेंगे डी के लिए ड्रेस अगर हमें पसंद आ गई तो. इट्स मी. वाओ देखा. अच्छा सो गाइस हम लोग आ चुके हैं और अभी बज गया है 3 और लाइट जा चुकी है और हम लोग खाना खा के भी नहीं आए. एक तो यहाँ मेरा दांत दर्द हो रहा है, एक तो मुंह में हो रहे हैं मेरे छाले. ये देख इन्हें मोटे मोटे होंठ दिखा रही हूँ मैं तो, छाले हो रहे हैं. अभी मैंने खाया केक जो कल भाभी ने दिया था, थोड़ा सा पेट भर चुका है. और डी और इन्होंने तो नारियल पानी और डी ने तो आराम से नारियल का जो मलाई हो तो भी खा के आई है. अभी सो रखी है वो. तो फाइनली हम लोग डी की ड्रेस लेके आ चुके हैं, बट अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, उस दिन बर्थडे के दिन दिखाऊंगी. मैं ले आई थी अपने लिए 2 दुपट्टे और बाकी क्या था, बस इतना ही था. बाकी हम आज स्पेशली गए थे डी की ड्रेस के लिए, फिर हमें जल्दी आना था. तो अभी भूख नहीं है, ऐसे इडली है बट मन नहीं है खाने का. तो मैं एक काम करती हूँ, तब तक अपना सामान वामान रखने की तैयारी करती हूँ. और क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो मुझे बहुत सारा सामान वापस अच्छे से रखना है. तो चलिए अब मैं रखती हूँ और अब मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग जाने वाले हैं 30 को घर और आज है 25 24, कितनी है 25 है शायद, संडे है. मतलब मुझे डेट का अच्छे से याद नहीं है जितनी भी हैं. तो 30 को जाना है हम लोगों को घर, 30 की है हमारी फ्लाइट. सो अभी पैकिंग कर लेती हूँ सारी अच्छे से, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है बहुत. तो अभी जितना भी डी का बर्थडे का डेकोरेशन वगैरह का था वो मैंने हल्द्वानी सीधे घर भेज दिया है. तो वो रेखा है वहाँ से उसकी बुआ रिसीव कर लेके सारी चीज़ें. तो क्योंकि यहाँ से भी ज़्यादा जाता, मैं यहाँ मंगाती तो लेट हो जाता. तो वैसे भी घर पे वहाँ पे भी अच्छा है, गेट पे घर पे दे के जाते हैं. बस अभी आज मैं नया पॉप्सकॉप लगा के ले आई हूँ, ये वाला निकल चुका था. इससे ना बहुत ही अच्छा होता है, फ़ोनों है पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. ठीक है सो चलिए अभी डी सोई है तो हम फटाफट से अपनी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं. बहुत सारा सामान फैला है तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने दुपट्टे कैसे हैं करके. तो गाइज एक मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक मल्टी कलर का दुपट्टा. और क्योंकि ना जब मैं घर जाती हूँ गाँव तो मैं वहाँ पे सूट या कुर्ती डालती हूँ, तो मुझे मैं वहाँ जाके अभी भी मतलब सर पे डालती हूँ दुपट्टा. मुझे अच्छा लगता है कि दुपट्टा डालना तो ज़रूरी होता है. और एक लाई हूँ पिंक कलर का दुपट्टा और ये काफ़ी अच्छे हैं, आराम से मतलब अटकने वाले भी हैं, सबसे अच्छी बात है. उसके बाद डी अगेन डी के लिए एक बॉटल लेके आए हैं, क्योंकि डी की तो पुरानी वाली बॉटल थी, इतनी अच्छी और इतनी महंगी बॉटल थी, उसने इसका हाल बहुत बुरा कर रखा था. फिर एक डी के लिए याली बॉटल लेके आए हैं और एक और चीज़ लेके आए हैं. तो भाई डी के पास इतने सारे भाई हैं, बट मैं फिर से आज उसके लिए हल्का ये वाला भाई लेके आई हूँ. उसका जो चीट डी को भाई चाहिए, उसको बहुत पसंद है और बोलती है भाई भाई, तो इसलिए इसको हम ये वाला लेके आए हैं. अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं इतना फैला हुआ है मेरा घर. इसको पूरा ठीक करती हूँ. और कैसा लगा ब्लॉग? और मैं इस अपनी जो साड़ी है इसके लिए मैं लाइनिंग ले आई हूँ और ओ इसमें फॉल भी लगाना है, तो मैं लाइनिंग लेके आ चुकी हूँ. और एक सूट सिलने जा उसके लिए जिप लानी थी बैग से, वो भी ले आई हूँ. तो यहाँ पे ना मार्केट काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें मिली. यार सच बताऊँ तो फ्रॉक मुझे इतनी पसंद आई ना, वहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी गर्ल्स की, बट वही फिर ज़्यादा हैवी नहीं ले सकते क्योंकि डी को पसंद नहीं आता है. सो चलिए गाइस मैं मिलूंगी अपने घर वाले व्लॉग में. हाँ मैं अभी डेली व्लॉगिंग करूंगी आज से, तो इस व्लॉग को मैं आज ही डालूंगी. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल.